विल डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आज हमारा लेक्चर 2 है। उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मज़ीद इस तरह के एमसीक्यूज सीरीज को चेक करने के लिए। कार्बन इज 12.0107, ऑप्शन हमारे पास बनेगी इसकी डी। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारे पास, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज, ऑप्शन बी 12.0107। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारे पास, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.55। पीछे हमने फ्लोरीन और इस तरह के ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिस्कस की थी, यहाँ पर कार्बन की लिखी हुई है जो कि 2.55 है। याद रहे हम जनरल एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 है हमारे पास, कार्बन इज डिस्कवर्ड इन 3750 BC, ऑप्शन हमारे पास है ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 104 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज, ये हम मतलब आसानी से पहले हम लिख के देख लेंगे कि अगर आपको बानी याद नहीं है तो हम उसमें निकाल लेंगे और हमारे पास ये बनेगी 2s2 2p2। जनरल जो हमारे पास हैं कॉन्फ़िगरेशन वो हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 105 है, दी स्टेट ऑफ कार्बन इज सॉलिड, ऑफ कोर्स क्या है, सॉलिड है और ये फोर्थ ग्रुप एलिमेंट का। क्वेश्चन नंबर 106, दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन इज 3552 3823, 3550 से 3823 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन इज, पहले आई थिंक मेल्टिंग पॉइंट था, द स्टेट ऑफ कार्बन इज सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंड देन डिस्कस किया गया बॉइलिंग पॉइंट। हीलियम इज ए मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस, तो हमारे पास क्या है, बोथ ए एंड सी, मतलब नोबल गैस भी है और हमारे पास सी नॉन मेटल भी है। The symbol of helium is very basic, helium HE. The atomic weight of helium is 4.003. The state of helium is gas. For noble gases जो हैं वो इसीलिए गैस कहलाती हैं कि वो गैस की हालत में पाई जाती हैं और कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती, किसी से शेयरिंग नहीं करती हैं। दी बॉइलिंग पॉइंट और इंडिविजुअली जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम इज -268.905 केल्विन, ऑप्शन नंबर इसमें है सी। -268.90 डिग्री और 4.2 केल्विन, ये है इसका ऑप्शन नंबर सी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हीलियम इज -272.20 डिग्री से
95 Kelvin. The electronic configuration of helium is 1s2. Number of electron in helium is 2. Number of proton in helium is 2, right? Aluminium is a silver colored metal. Aluminium क्या है? Metal है. Silver color की metal है. Atomic weight of aluminium is 26.98. There are number of electrons in aluminium is 13. Option A. Electronic configuration of aluminium is हमारे पास ये B बनता है 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p1. Melting point of aluminium is 660.32. 933.57. The boiling point of aluminium is 2466.85 degree. से हमारे पास है 2740 Kelvin. डिग्रीज में और केल्विन में डिस्कस किए गए हैं, ये ध्यान रहे कि दो दो क्यों लिखे हुए हैं. Lithium is a alkali metal. ये of course the first उसमें आता है. First group के अनासिर हैं तो वो alkali metal ही कहलाते हैं. State of lithium is solid. ये general MCQs हैं जो कि अक्सर हमें याद नहीं रहते. अगर हम इस वीडियो को फॉलो करें तो हम आसानी से मतलब ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो याद रख सकते हैं. छोटे छोटे एमसीक्यूज़ हैं, जनरल एमसीक्यूज़ हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर शामिल किया है. डैश इज़ ए सीडो सॉलिड. ग्लास को कहा जाता है सीडो सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड होता है. इसकी कोई मतलब अमॉर्फस में कोई ख़ास शेप नहीं होती है. और सूडो जो है मतलब ट्रू नहीं होता, मतलब कोई ख़ास किस्म की उसकी हालत नहीं पाई जाती. ग्लास को हम जिसमें भी जैसे भी शेप देना चाहें वो वैसी शेप में चेंज हो जाता है. अमॉर्फस सॉलिड कहलाता है, ठीक है, ट्रू सॉलिड नहीं होता. इन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ईच आयन इज सराउंडेड बाय डैश नंबर ऑफ क्लोराइड आयन 6. इन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, NaCl के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो हर जो हमारे पास ईच आयन जो है सोडियम का वो कितने ऐसे करके हमने एक पढ़ा था स्ट्रक्चर के वो कितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन से वो सराउंड किया हुआ होता है. तो वो हमारे पास 6 इस तरह से 6 नंबर ऑफ क्लोराइड आयन से वो सराउंड किया गया था. यहाँ पर क्लोराइड आयन्स आएंगे, ठीक है. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6. द डैश ऑफ मेन ग्रुप मेटल ऑक्साइड्स इंक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग ए ग्रुप. हमारे पास बेसिस सिटी जो है वो डिक्रीज करती है नीचे की तरफ जाते हुए. द डैश ऑफ मेन मेटल मेन ग्रुप मेटल ऑक्साइड्स इंक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग ग्रुप, बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज करती है. विच आयन हैज हाई अफिनिटी ऑफ ए अफिनिटी और प्रोटॉन एंड कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन इन एक्वस सॉल्यूशन. तो वो O2- है. The dash of main group metal oxides increases on descending a group, oxidation, right?
ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन जो है वो डिक्रीज करती है ग्रुप में एच की तरफ मूव करते हुए. सेमी मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बिलोंग्स टू थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए एंड ऑल ऑफ द अबव. इसकी ऑप्शन है ऑल अबव. हाइड्रोजन इज रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट सब्सटेंस बाय डैश इन 1776 हेनरी कैवेंडिश. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ऑफ कोर्स. एटॉमिक सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H. एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 राइट. एटॉमिक वेट कितना है उसका 1.008. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1 ऑफ कोर्स. एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 120 पिकोमीटर. एटॉमिक रेडियस क्या है 120 पिकोमीटर. ये याद रखने वाली बात है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन इज 9 to -259.16 डिग्री सेंटीग्रेड. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन इज, ये मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया हुआ है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन इज -252.879 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन इज ऑफकोर्स -1 or +1 एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ये याद रखने वाली बात है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. सोडियम इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हम्फ्री डेवी ने इसको डिस्कवर किया था सोडियम को. सोडियम वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय हम्फ्री डेवी इन 1807 1807 में उसको उसने आइसोलेट किया था. एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 ऑफ कोर्स. एटॉमिक सिंबल ऑफ सोडियम इज Na. एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 22.99. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 3s1. एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 227 पिकोमीटर. ये जनरल एमसीक्यू से ज़रा हटकर है तो इसलिए याद रखने वाली बात है. एटॉमिक रेडियस जैसे पीछे हमने हाइड्रोजन का डिस्कस किया इसी तरह से सोडियम का. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड. ये भी याद रखने वाली बात है, अक्सर याद नहीं होता. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज 883 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज 1. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज 1. पोटेशियम इज डिस्कवर्ड बाय हम्फ्री डेवी. ये भी पोटेशियम भी हम पीछे हमने देखा है हम्फ्री डेवी ने डिस्कस किया है डिस्कवर्ड किया है. पोटेशियम वॉज आइसोलेटेड इन 1807. एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19. एटॉमिक सिंबल ऑफ पोटेशियम इज के ऑफ कोर्स. एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम इज 39.10. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम इज 4s1. एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज 275 पिकोमीटर. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम इज 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑफ पोटेशियम इज 759 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज +1, -1 आर स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड. पोटेशियम क्या बनाता है स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड बनाता है. रोबिडियम इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट बंसन एंड गुस्टाव किरचॉफ. किरचॉफ लॉ ऑफ फिजिक्स में भी है.
Dr. Rubidium was discovered in 1861. Atomic number of rubidium is 37. Atomic symbol of rubidium is Rb. Atomic weight of rubidium is 85.47. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ रोबिडियम इज 5s1। कहाँ पे खत्म हो रही होती है? 5s1 पर। एटॉमिक रेडियस ऑफ रोबिडियम इज 303 पिकोमीटर। ये एटॉमिक रेडियस वगैरह हाइड्रोजन का डिस्कस किया, सोडियम का डिस्कस किया, पोटेशियम का डिस्कस किया, ये याद रखने वाली बात है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोबिडियम इज 39.3। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस और किस तरह के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, एम्फोटेरिक या बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं, इस तरह की ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो कि नॉर्मली हमें भूल जाती हैं जब हम थोरली रीड कर रहे होते हैं बुक को। तो इसलिए ये जो हैं MCQs बनाए गए हैं कि इसमें याद रहे कौन से ऑक्साइड्स किस तरह के ऑक्साइड्स बना रहे हैं कोई, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं की हुई कि जैसे कि पोटाशियम है वो किसने डिस्कवर किया, सोडियम पहले सबसे पहले किसने आइसोलेट किया, तो और फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, ये जो क्या कहते हैं जैसे निटी ग्रिटी जो है इनकी एलिमेंट्स की वो अक्सर भूल जाती हैं। तो ये इसमें MCQs की सूरत में यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं जिसको कि अगर हम गौर से देखें और याद रखने की कोशिश करें तो हमें याद हो सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रोबिडियम इज 688 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोबिडियम इज +1 -1 एज स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड। सीजियम वॉज डिस्कवर्ड बाय, अब ये भी आ गया, यही रॉबर्ट बेंसन और स्टीव किरचॉफ, उसमें पहले रोबिडियम भी इन दोनों ने ही डिस्कस किया था। सीजियम वॉज डिस्कवर्ड बाय 1860। एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम इज 55। अब सीजियम को लेकर चल रहे हैं, एटॉमिक सिंबल ऑफ सीजियम इज CS। एटॉमिक वेट ऑफ सीजियम इज 132.9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सीजियम इज, सीजियम की किस पर ख़त्म हो रही है? रोबिडियम की 5s1 पर, तो इसकी सीजियम की 6s1 पर। एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज 343 PM पिकोमीटर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज 228.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज 671 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीजियम इज +1 में भी है और +-1 में भी है। फ्रांसियम वॉज डिस्कवर्ड बाय मार्गरेट पेरी। एटॉमिक सिंबल ऑफ फ्रांसियम इज FR। अब फ्रांसियम को लेकर चलेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रांसियम इज 87। एटॉमिक वेट ऑफ फ्रांसियम इज 223। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्रांसियम इज 7s1। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्रांसियम इज 348 पिकोमीटर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रांसियम इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रांसियम इज 680 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्रांसियम इज 1, ये 1 में पाया जाता है। फ्रांसियम वॉज डिस्कवर्ड इन 1939। बेरिलियम वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस निकोलस वेक्विन। बेरिलियम वॉज डिस्कवर्ड इन 1798।
एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4. एटॉमिक सिंबल ऑफ बेरिलियम इज Be. एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम इज 9.012. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज 2s2. एटॉमिक रेडियस ऑफ बेरिलियम इज 153. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम इज 1287. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम इज, अगर इसको उर्दू में पढ़े, 2459 और 2469 डिग्री सेंटीग्रेड. मैग्नीशियम वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ ब्लैक. अब मैग्नीशियम को लेकर चलेंगे अगले वाले सारे एमसीक्यूज में. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम इज +2 +1. मैग्नीशियम वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ ब्लैक. थैंक यू. मज़ीद इस तरह के MCQs फॉलो करने के लिए ये और देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें.